नमस्ते बच्चों, इस वीडियो क्लास में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो बच्चों, आज हम यहाँ पर व्याकरण भाग का विशेषण यानी कि अंग्रेजी में इसे एडजेक्टिव कहते हैं, विशेषण को हम अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में हमने इसके बारे में थोड़ा बहुत अध्ययन यहाँ पर किए थे, यानी कि विशेषण की परिभाषा और उसके भेदों के बारे में यहाँ पर अध्ययन कर चुके हैं। सिर्फ हम क्या कर चुके हैं, विशेषण उसके भेद और सिर्फ एक भेद के बारे में यहाँ पर जानकारी प्राप्त की गई है बच्चों। तो आज हम क्या करेंगे, विशेषण से जुड़े दूसरे भेद के बारे में यहाँ पर क्या करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। दूसरा भेद कौन सा है बच्चों, बताओ, देखेंगे विशेषण का दूसरा भेद कौन सा है। मैंने ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ ना लास्ट क्लास में, विशेषण के कितने भेद हैं बच्चों, विशेषण के कितने भेद हैं, विशेषण के चार भेद हैं। विशेषण के कितने भेद हैं बच्चों, चार भेद हैं। ऑलरेडी इन चारों में से पहला भेद गुणवाचक विशेषण के बारे में हम लास्ट क्लास में इसका अध्ययन कर चुके हैं। तो आज हम क्या करेंगे, विशेषण से जुड़े दूसरा भेद कौन सा है, संख्यावाचक विशेषण इसका अध्ययन करेंगे। संख्यावाचक विशेषण, हाँ तो बताओ बच्चों, विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं बच्चों, विशेषण की परिभाषा क्या है, बताओ बच्चों। देखेंगे विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता को बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। संज्ञा या फिर सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। ऑलरेडी मैंने लास्ट क्लास में उदाहरण के द्वारा विशेषण को यहाँ पर समझा चुकी हूँ, है ना। तो विशेषण के कितने भेद हैं बच्चों, विशेषण के कितने भेद हैं यहाँ पर, बताओ बच्चों। देखेंगे विशेषण के कितने भेद हैं, विशेषण के चार भेद हैं। विशेषण के कितने भेद हैं, विशेषण को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, विशेषण को अंग्रेजी में एडजेक्टिव कहा जाता है। तो विशेषण के भेद कितने हैं बच्चों, विशेषण के चार भेद हैं। विशेषण के कितने भेद हैं, विशेषण के चार भेद हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण, है ना, पता चल जाए ना बच्चों। तो लास्ट क्लास में हमने गुणवाचक संख्या इसके बारे में ऑलरेडी जान चुके हैं। तो बताओ बच्चों, गुणवाचक संख्या की परिभाषा क्या है, गुणवाचक विशेषण की परिभाषा क्या है, गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, बताओ। देखेंगे गुणवाचक संख्या किसे कहते हैं, हाँ किसे कहते हैं बच्चा, जो शब्द किसी संज्ञा तथा सर्वनाम के, जो शब्द किसी संज्ञा तथा सर्वनाम के क्या होता है, गुण दोष दशा अवस्था को बताते हैं, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं बच्चा, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। किसे विशेषण गुणवाचक विशेषण कहते हैं बच्चों, जो शब्द किसी संज्ञा तथा सर्वनाम के शब्द यानी के सर्वनाम के शब्दों को यानी के सर्वनाम या फिर संज्ञा के गुण दोष को दशा को और अवस्था को बताते हैं, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं।
तो समझ में आ गया बच्चों, जो शब्द किसी संज्ञा तथा सर्वनाम के गुण दोष अवस्था या फिर दशा को बताते हैं, बोध करने वाले शब्दों को हम या फिर बताते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, गुणवाचक संख्या कहते हैं। गुण से तात्पर्य क्या होता है बच्चों, गुण का अर्थ क्या होता है, गुण का तात्पर्य क्या है, किसी वस्तु व्यक्ति तथा स्थान के रंग रूप को, गुण दोष को, उसके अवस्था, उसकी आकार आदि को बताना। गुण दोष का क्या अर्थ है यहाँ पर, गुण का तात्पर्य क्या है बच्चों यहाँ पर, या फिर गुण का अर्थ क्या होता है, किसी वस्तु व्यक्ति या फिर स्थान के, वस्तु व्यक्ति या फिर स्थान के रंग रूप को बताना, या फिर गुण या दोष को बताना, उसकी अवस्था को बताना, उसके आकार को बताना, इसे हम क्या कहते हैं, आदि को बताने वाले को क्या कहते हैं, गुण कहते हैं। समझ में आ गया ना, गुण का तात्पर्य क्या है बच्चों, किसी वस्तु व्यक्ति या स्थान के रंग रूप को, गुण दोष को, अवस्था को, आकार को, आदि को बताना, उसे हम क्या कहते हैं, गुण कहते हैं। तो इसके गुणवाचक विशेषण को भी मैंने आपको यहाँ पर उदाहरण के द्वारा समझा चुकी हूँ, आशा है कि आप जान चुके होंगे बच्चों, है ना। तो यहाँ पर उसके कुछ विशेषता भी इस प्रकार के हैं, यानी कि गुणवाचक विशेषण की विशेषता क्या क्या है बच्चों, इसमें क्या क्या आते हैं यहाँ पर, इनके अंतर्गत कौन कौन से शब्द यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं, बताओ देखेंगे। गुणवाचक विशेषण के क्या है, इस प्रकार है, यानी कि गुण में क्या क्या आते हैं, दयालु, परोपकारी, ईमानदार, इस तरह के शब्द यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। दोष के अंतर्गत क्या आते हैं, कठोर, बुरा, कपटी, है ना। तो यहाँ पर स्वाद में खट्टा, मीठा, नमकीन, इस तरह के शब्द हमें यहाँ स्वाद में दिखाई पड़ते हैं। स्पर्श, फील, टच, फील, स्पर्श का यहाँ पर इसके अंतर्गत क्या आते हैं बच्चों, सख्त, कठोर, नरम आदि, ऐसे शब्द जो हैं वो क्या क्या होते हैं, स्पर्श के अंतर्गत या स्पर्श में दिखाई पड़ते हैं। आकार, आकार यानी कि साइज, लंबा, छोटा, पतला आदि, ये क्या है, ये सभी आकार को दिखाते हैं। स्वाद, स्वाद में क्या क्या होता है, खट्टा, मीठा, नमकीन, है ना। तो यहाँ तक हो चुका है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आज हम क्या करेंगे, आज हम संख्यावाचक विशेषण को जानने का प्रयास करेंगे, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो संख्यावाचक विशेषण क्या है बच्चों, संख्यावाचक विशेषण क्या है, संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, तो संख्यावाचक विशेषण क्या है बच्चों, यहाँ पर हमें क्या दिखाई पड़ता है, तो संख्यावाचक शब्द किसे कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, जो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम की संख्या संबंधी जानकारी दे, उन्हें हम क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जो शब्द क्या होते हैं, संज्ञा या फिर सर्वनाम की संख्या से जुड़े, यानी कि संख्या संबंधी जानकारी देते हैं, संख्या से जुड़े जो जानकारी होती है वो देते हैं ना, उसे हम क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ओके, तो आपको यहाँ पर पता चल गया होगा कि बच्चों संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, जो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम की संख्या संबंधी जानकारी देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ओके, लिख लो बच्चों यहाँ पर, जो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम की संख्या
संबंधी संज्ञा संख्या संबंधी जानकारी दे, जानकारी दे उन्हें, उन्हें उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, उन्हें उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, संख्या वाचक विशेषण कहते हैं। तो संख्यावाचक विशेषण क्या है बच्चों, जो शब्द संख्या तथा सर्वनाम की, संज्ञा तथा सर्वनाम की संख्या संबंधी, संख्या से जुड़े जानकारी जो देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि संख्या से जुड़ी यानी संख्या से संबंधित जानकारी जो देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्या से जुड़े या फिर संख्या संबंधी जानकारी जो देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, संख्या वाचक विशेषण कहते हैं। तो चलो बच्चों उदाहरण के द्वारा हम इसे जानने का प्रयास करेंगे। उदाहरण देखो, यहाँ पर उदाहरण के द्वारा हम इसे जानने का प्रयास करेंगे। चार टमाटर, चार टमाटर, चार टमाटर या फिर दो लड़के, या फिर दो लड़के। देखो यहाँ पर क्या कहा गया है बच्चों, यहाँ पर टमाटर के लिए चार, टमाटर के लिए चार और लड़के के लिए दो का यहाँ पर उपयोग किया गया है। टमाटर के लिए चार तथा लड़के के लिए दो का प्रयोग किया गया है, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। यानी कि टमाटर के लिए चार, ये क्या है, संख्यावाचक संख्या है ना, ये नंबर है ना, टमाटर कितने हैं, चार हैं, तो यहाँ पर संख्या में दिया गया है। टमाटर कितने हैं, चार हैं, टमाटर के लिए चार और लड़के कितने हैं, यहाँ पर लड़के दो हैं, तो ये क्या है, नंबर है, संख्या है। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ पर क्या किया गया है, टमाटर के लिए चार का प्रयोग किया गया है और लड़के के लिए दो का प्रयोग। टमाटर कितने हैं, टमाटर चार है, ये संख्या है ना बच्चों, चार नंबर है ना, तो चार ये संख्यावाचक विशेषण, संख्या को बताते हैं, संख्या से जुड़े जानकारी को देते हैं। तो चार टमाटर हैं। लड़के कितने हैं बच्चों, लड़के दो हैं, लड़के कितने हैं, दो हैं, दो क्या है, ये संख्यावाचक है, इसे हम क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। समझ में आ गया ना बच्चों, संख्यावाचक विशेषण के भी दो भेद होते हैं, संख्यावाचक विशेषण के भी क्या होते हैं, दो भेद हैं, संख्यावाचक विशेषण के, विशेषण के भी दो भेद हैं, दो भेद हैं। कितने भेद हैं बच्चों, संख्या वाचक विशेषण के भी दो भेद हैं। कौन कौन से हैं, निश्चित संख्या वाचक विशेषण, निश्चित संख्या वाचक, निश्चित संख्या वाचक विशेषण, निश्चित संख्या वाचन विशेषण, और दूसरा कौन सा है, अनिश्चित, अनिश्चित, अनिश्चित,
निश्चित संख्या वाचक विशेषण। तो यहां पर संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद हैं बच्चों? संख्यावाचक विशेषण के भी दो भेद होते हैं। ओके, समझ में आ गया ना बच्चों? तो यहां पर संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम की संख्या संबंधी जानकारी देते हैं उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के द्वारा आप जान चुके होंगे बच्चों। तो यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण के भी दो भेद हैं। संख्यावाचक विशेषण के भी कितने भेद हैं? दो भेद हैं, निश्चित संख्यावाचक और दूसरा भेद कौन सा है? अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक और दूसरा कौन सा है बच्चों? अनिश्चित संख्यावाचक। तो यहाँ पर मैं कुछ आपको थोड़ी बहुत जानकारी दूंगी। किसके बारे में? बहुत डिटेल में नहीं लेंगे हम, सिर्फ शॉर्ट में। निश्चित संख्या वाचक विशेषण किसे कहते हैं? निश्चित संख्यावाचक ना संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? शॉर्ट में इसके बारे में हम जानेंगे। बहुत कुछ नहीं बच्चों, निश्चित संख्यावाचक किसे कहते हैं? जो शब्द संख्या तथा जो शब्द संख्या तथा सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। निश्चित निके कन्फर्म, निश्चित निके कन्फर्म, यहाँ पर इसकी परिभाषा क्या है? कन्फर्म, निश्चित कन्फर्म, अनिश्चित कन्फर्म नहीं है, यानी कि हमें पता नहीं है, यहाँ पर पता है। कन्फर्म जो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम की निश्चित संख्या का, यानी कि डेफिनेट, निश्चित, डेफिनेट, कन्फर्म संख्या का बोध कराते हैं, यानी कि हमें बोध कराते हैं, मालूम करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? निश्चित संख्यावाचक। निश्चित यानी कि इनडेफिनेट, कि हमें पता नहीं, यहाँ पर कन्फर्म है, डेफिनेट है, कितनी संख्या है, उसे हम क्या कहते हैं? निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जो शब्द क्या करते हैं? संज्ञा या फिर सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के द्वारा देखेंगे बच्चों, हम क्या करेंगे, उदाहरण से इसे जानने का प्रयास करेंगे। उदाहरण पर क्या लेंगे बच्चों हम? उदाहरण में क्या लेंगे? तीन लड़के खेल रहे हैं, तीन लड़के खेल रहे हैं, तीन लड़के खेल रहे हैं, तीन लड़के क्या कर रहे हैं? तीन लड़के खेल रहे हैं। मेज पर पांच पुस्तकें हैं, मेज टेबल, मेज
पर पांच पांच पुस्तकें पुस्तकें हैं, मेज पर पांच पुस्तकें हैं। तो यहाँ पर उदाहरण में क्या दिया गया है बच्चों, यहाँ पर उदाहरण में क्या है, तीन लड़के खेल रहे हैं, तीन लड़के खेल रहे हैं और दूसरा क्या है, मेज पर पांच पुस्तकें हैं। इन दोनों वाक्यों में यानी के उदाहरण एक और उदाहरण दो में इन दोनों वाक्यों में क्या है, विशेष विशेष की निश्चित संख्या दी गई है, विशेष की निश्चित संख्या यहाँ पर दी गई है, संख्या का बोध हो रहा है यानी के तीन, कितने तीन, तीन लड़के, ये क्या है, विशेष है। तो विशेष के बारे में भी मैं आपको बता चुकी हूँ बच्चों पिछली क्लास में, विशेष किसे कहते हैं, जिस संज्ञा या जिस संज्ञा की विशेषता को बताया जाता है या बताते हैं, बताया जा रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, विशेष कहते हैं, है ना। तो जिस संज्ञा की विशेषता, जिस संज्ञा की विशेषता क्या होता है, लड़के, लड़के कितने हैं, ये क्या है, ये संज्ञा है, लड़का ये क्या है, संज्ञा है, तो इसकी बताते हैं, ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, विशेष कहा जाता है तथा विशेषता को विशेष की विशेष कहते हैं, विशेषण कहते हैं, यानी कि लड़के क्या है, ये संज्ञा है, ये तीन क्या है, नंबर है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर इन वाक्यों में, इन दोनों वाक्यों में विशेष की निश्चित संख्या का बोध हो रहा है, विशेष की निश्चित संख्या का बोध हो रहा है, यानी कि यहाँ पर कितने, तीन लड़के हैं, मेज पर कितने पुस्तकें हैं, पांच पुस्तकें हैं, पांच तीन, ये दोनों कंफर्म है, लड़के कितने हैं, तीन है, तीन से ज्यादा है नहीं, तीन से कम है नहीं, कितने हैं, करेक्ट से तीन है। तो मेज पर कितने किताबें हैं या पुस्तकें हैं, मेज पर पांच पुस्तक है, पांच से ज्यादा है नहीं, पांच से कम है नहीं, हमें क्या है, कंफर्म है, मेज पर इतने ही पुस्तकें हैं, यानी कि पांच ही पुस्तक हैं, पांच से ज्यादा भी नहीं है, पांच से कम नहीं है, यानी कि यहाँ पर नंबर हमें कंफर्म है, संख्या क्या है, हमें यहाँ पर निश्चित है। ऐसे ऐसे वाक्य या फिर इसे हम क्या कहते हैं, संख्या वाचक, जहाँ पर कंफर्म होता है उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। समझ में आ गए ना बच्चों, तो चलो आगे बढ़ते हैं। निश्चित सॉरी तो आगे बढ़ते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण का दूसरा भेद कौन सा है बच्चों, संख्यावाचक विशेषण का दूसरा भेद कौन सा है, अनिश्चित अनिश्चित संख्या संख्या वाचक वाचक विशेषण विशेषण। अनिश्चित यानी के यहाँ पर हमें कंफर्म नहीं है, वहां पर हमें पता है कि कितने करेक्ट हैं। अनिश्चित यानी कि डाउट है, यहाँ पर हमें क्या है, डाउट है, कंफर्म नहीं है कितने लड़के हैं, कितने पुस्तकें हैं, यहाँ पर कंफर्म नहीं है। तो ऐसे क्या कहते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक कहते हैं जो शब्द, तो इसकी परिभाषा को देखेंगे बच्चों हम, जो शब्द संज्ञा तथा संज्ञा तथा संज्ञा तथा विशेषण विशेषण की विशेषण संज्ञा तथा विशेषण की निश्चित संख्या का निश्चित निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते, संख्या का बोध नहीं कराते कराते उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, उन्हें
निश्चित, उन्हें अनिश्चित, अनिश्चित, अनिश्चित संख्या, अनिश्चित संख्या वाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर क्या कहा गया है, निश्चित संख्यावाचक में जो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, यहाँ पर अपोजिट है, जो शब्द संज्ञा तथा विशेषण के निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते, यानी कि इनडेफिनिट है, यहाँ पर वहाँ पर डेफिनिट है, वहाँ पर कंफर्म है, यहाँ पर कंफर्म नहीं है, तो ऐसे वाक्य को हम क्या कहते हैं, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, अनिश्चित संख्या कहते हैं। यहाँ पर हमें कंफर्म नहीं है कितनी संख्या है कितनी नहीं है, ऐसे यहाँ पर निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते, निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते कराते, तो ऐसे उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, बोध नहीं कराते उन्हें हम क्या कहते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। समझ में आ गया ना बच्चों, तो चलो देखेंगे इसके उदाहरण के द्वारा हम इसे जानने का प्रयत्न करेंगे। तो इसके यहाँ पर क्या है, कुछ लोग बाहर खड़े हैं, कुछ लोग बाहर खड़े हैं, खड़े हैं, कुछ लोग बाहर खड़े हैं बगीचे में, बगीचे में, बगीचे में बहुत से फूल हैं, बगीचे में फूल हैं। देखो यहाँ पर कुछ लोग बाहर खड़े हैं, कुछ लोग बाहर खड़े हैं, दूसरा वाक्य क्या है, बगीचे में बहुत से फूल हैं, बगीचे में बहुत से फूल हैं। इन दोनों वाक्यों में क्या हो गया है, निश्चित संख्या नहीं है, इन दोनों वाक्यों में क्या हुआ है, यहाँ पर निश्चित संख्या नहीं है, यानी कि निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते, तो आता इन्हें हम क्या कहते हैं, अनिश्चित। कुछ लोग, कुछ लोग ज्यादा भी होंगे या कम भी होंगे, लेकिन यहाँ पर हमें कंफर्म नहीं है कितने लोग, 8, 10, 12, 2, 4 कंफर्म नहीं है हम, यहाँ पर संख्या ठीक से हमें मालूम नहीं है, तो यहाँ पर कुछ ये क्या है, डाउटफुली, कुछ क्या है, डाउट, यानी कि कितने लोग हैं हमें पता नहीं, कुछ लोग, कुछ लोग बाहर खड़े हैं, तो यहाँ पर क्या करता है, नहीं कराता, निश्चित संख्या का बोध नहीं कराता, उसे को हम क्या कहते हैं, अनिश्चित संख्या विशेषण कहते हैं। बगीचे में बहुत से फूल खिले हैं, बगीचे में बहुत से फूल खिले हैं, बहुत यानी कि बहुत, कितने फूल, नंबर नहीं पता, यहाँ पर कंफर्म नहीं है, डेफिनेट नहीं है हमें कितने फूल खिले हैं, बहुत खिले हैं, कितने, 100, 200, 400, 250 पता नहीं, तो यहाँ पर इसे क्या कहते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, यहाँ पर हमें क्या नहीं पता चलता, निश्चित संख्या की का बोध हमें पता नहीं चलता, ऐसे इन्हें हम क्या कहते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। समझ में आ गए ना बच्चों, तो यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण की का के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे, जाने अब हम क्या करें इसके बारे में, आप भी बहुत सारा इसके बारे में बहुत डिटेल में है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ बच्चों, ताकि आपके समझ में आ जाए। ओके, तो पहला भेद कौन सा था, विशेषण का पहला भेद गुणवाचक विशेषण, पहला भेद कौन सा था बच्चों, गुणवाचक विशेषण, और दूसरा भेद कौन सा था, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में भी दो भेद आते हैं बच्चों, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण।
समझ में आ गया ना बच्चों? ओके, तो आज आशा करती हूँ कि आज का ये क्लास आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। ओके, आप क्या करें, इसको लिखें और पढ़ने का और समझने का प्रयास करें। ओके, तो आज का ये वीडियो क्लास यहीं पर समाप्त होता है। विशेषण से जुड़े तीसरे और चौथे भेद के बारे में हम क्या करेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में, इसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो आज का एक क्लास यहाँ पर समाप्त होता है, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे बच्चों। तब तक के लिए धन्यवाद।